कपिल शर्मा कंट्रोवर्सी पर अब तक कई लोगों का रिएक्शन सामने आ गया है और अब फाइनली इस पूरे विवाद पर कपिल के दोस्त कम दुश्मन सुनील ग्रोवर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुनील ग्रोवर ने कहा है कि कपिल को अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल हाल ही में एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में सुनील ने ये सारी बात कही है। सुनील का कहना है कपिल को अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, उनकी फैमिली को भी उनका ख्याल रखना चाहिए और साथ ही सुनील ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कपिल जल्द ही वापसी करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में कपिल के दोस्त चंदन प्रभाकर ने उनकी खराब तबीयत का खुलासा किया था और उनसे पहले उनकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोस ने भी कपिल की मानसिक स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की थी। प्रीति ने कहा था कि कपिल काफी बदल गए हैं, उन्हें सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं बल्कि बाइपोलर डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया भी हो सकता है, उनके मन में सुसाइडल विचार भी आ रहे हैं। और अब इस मामले में सुनील का जो रिएक्शन सामने आया है उसमें कपिल की खराब सेहत की बात की गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कपिल इतने बीमार हैं कि उनका बर्ताव ही बदल गया है। मतलब सुनील का कपिल की सेहत को खराब बताना ये उनकी कपिल के प्रति चिंता है या फिर कुछ और, ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम तो बस यही दुआ करते हैं कि कपिल जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएं और फिर से टीवी पर धमाकेदार वापसी करें।